हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप लोगों के लिए कमाल धमाल वीडियो लेके आया, क्योंकि दोस्तों ये मैं जानता हूं कि ये जो मैं टॉपिक लिया हूं बहुत आसान है और ये चीज आपको पहले से पता है, लेकिन दोस्तों कुछ नए तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एडिशन ट्रिक लेके आया हूं, एडिशन को कैसे करते हैं और किस तरह से आप नए मेथड यूज करके आप इजी कर सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल में नए हो तो, और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा और आप ही का लॉस होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे आप प्लस करोगे। मुझे पता है बहुत से कमेंट ऐसे भी आएंगे, सर प्लस तो हमें पता है, क्या नया सिखा रहे हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लस तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ आप लोगों के लिए अनोखा मेथड लेके आया हूं, कुछ अलग मेथड लेके आया हूं, आपको ये सिखाना चाहता हूं, ऐसे भी आप कर सकते हो। दोस्तों जब भी यहां पर प्लस दिया होता है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं आपको, हर एक चीज बताऊंगा यहां पर। वो क्या करते हैं कि ये 8 है और यहां पर 7 है, देखा जाए अगर तो ये 800 है और ये 700 है, तो क्या करते हैं 8 प्लस 7 15 हो गया, मतलब 1500 दिमाग में ही रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 90 और यहां पर 90, कितना होगा 90 180, और फिर दिमाग में रख लेते हैं। और 7 और प्लस 4 कितना होता है 11 होता है, वो भी दिमाग में रखकर यहां पर आंसर निकाल लेते हैं 1691। ये तो बहुत हाईफाई कैलकुलेशन हो गया, लेकिन दोस्तों अगर किसी को ये नहीं आता वो क्या करते हैं चुपचाप यहां पर 897794 और यहां पर प्लस करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। वहां पर ऐसे प्लस होता है 7 प्लस 4 11, यहां पर कैरी हो गया 9918 और यहां पर 1 जाएगा तो आपका 19 कैरी 1, तो यहां पर 16 ऐसा आंसर निकालते। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ अलग तरीके का मेथड बताने जा रहा हूं। यहां पर क्या करोगे, आपको सिंपल लिखना ऐसे नहीं है, ये 8 है और यहां पर 7 है, तो 8 प्लस 7 कितना होगा 15, तो आप यहां पर 15 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 9 और 9 कितना होगा 18 होगा, तो आप यहां पर 1 लिखोगे, यहां पर 8 लिखोगे, ठीक है। और यहां पर 7 और यहां पर 4, 7 प्लस 4 कितना होगा 11 होगा, तो आपको ऐसे लिखना है। देखिए कुछ पैटर्न देख लीजिए आप, यहां पर 1961, देखिए विदाउट कैरी कुछ भी करोगे आंसर इजीली निकल जाएगा। तो दोस्तों नए मेथड लेके आता हूं मैं, जिससे आपका मैथ्स का डर जो है वो दूर हो जाए और आपको मैथ्स आसान लगने लगे। दोस्तों और दो तीन नंबर लेते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप प्लस करोगे। दोस्तों आपको तो पता है, ट्रेडिशनल मेथड पता है, लेकिन आपको मैं कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको मैथ आसान लगने लगे। दोस्तों आपको यहां पर करना है 9 और यहां पर 4, 9 प्लस 4 कितना होता है 13 होता है, तो आप 13 यहां पर लिख लीजिए। 8 प्लस 6 कितना होगा दोस्तों 14 होगा, आप कैसे लिखोगे ऐसे लिखोगे 14, ठीक है। और 7 प्लस 7 कितना होता है 14 होता है, तो आप ऐसे लिखिएगा। और 6 प्लस 9 कितना होगा दोस्तों 15 होगा, तो ऐसे आपको लिखना है, जिससे क्या होगा कैरी का झंझट निकल जाएगा, सीधा 5 5 5 4 1 हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ऐसे करोगे अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं गारंटी देता हूं जो ट्रेडिशनल मेथड से करते थे आप उससे तो कम ही टाइम लगेगा, इतनी तो गारंटी दे रहा हूं मैं। अब देखिए दोस्तों और दो तीन नंबर लेते, देखिए यहां पर मैं लेने जा रहा हूं 487 प्लस 532, ये लेता हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर देखिए कुछ अलग तरह का नंबर लिया हूं मैंने, ये 4 है ये 5 है, तो 4 प्लस 5 कितना होगा 9 होगा, तो आप यहां पे लिखोगे 09 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 8 है और यहां पर 3 है, तो 8 प्लस 3 कितना होगा 11 होगा, तो यहां पर आप 1 और यहां पर 1 लिखोगे, ठीक है। 7 प्लस 2 कितना होगा 9 होगा, तो आप क्या करोगे यहां पर 9 लिखोगे, ठीक है, 9 लिखोगे, तो क्या सही हो रहा है, नहीं गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है यहां पर 09 लिखना है, 09। मैं जानता हूं कि कहां पर कंफ्यूजन होगा, कहां पर आप गलती करोगे, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दो डिजिट में खेलना है आपको, तो यहां पर दोस्तों मैं प्लस करने जा रहा हूं 91, यहां पर 0 कैरी 1, यहां पर 1 हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और एक नंबर यहां पर लेता हूं, यहां पर 321 प्लस 423। दोस्तों इतने इजी नंबर में आपको प्लस करना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये मेथड सीखना चाहते हो जो मैं मेथड आपको सिखाया मैंने, उसमें क्या करोगे 3 प्लस 4 कितना होगा 7 होगा, लेकिन 7 क्या है सिंगल डिजिट है, तो आपको क्या करना है 07 लिखना है, ठीक है।
2+2 कितना होता है? 4 होता है, 4 भी सिंगल डिजिट है, तो आप क्या करोगे? 04 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करोगे? 1+3 क्या होता है? 4 होता है, और 4 भी सिंगल डिजिट है, तो आप यहां पे क्या करोगे? 0 और 4 लिखोगे, तो 447 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने आपको वीडियो में सिखाया है एकदम क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ अलग आपने को सीखा तो जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट आपका एक लाइक हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सके। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए सिखाते रहिए ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।